This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Bill on Construction and by Edify International School. ये तो बिल मैडम महिलाओं के नाम से जो लाया गया है ये समाज को डिवाइड करने का बिल है जी. और समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने का बिल है जी. और दूसरा ये बिल संविधान के बहुत से सिद्धांत के खिलाफ है. तीसरा ये बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी वायलेशन है. चौथा ये बिल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो देती है, यानी कि हर कोई कानून की नजर बराबर होता है, ये बिल आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि एक मजहब से पतियों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है. पांचवा आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. ये बिल आर्टिकल 15 के खिलाफ भी है. आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के मद्देनजर सरकार ऐसे कोई लॉ या प्रोसीजर नहीं बना सकती जो आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल है. और आर्टिकल 25 के खिलाफ भी ये बिल है. हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. आर्टिकल 26 भी कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का हक है. हमारे संविधान में आर्टिकल 13(2) के तहत तो सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए मूल आधार के खिलाफ है, क्योंकि बिल आर्टिकल 14-15 इसके खिलाफ है. और नहीं नहीं क्यों और क्लास 4 में भी 3 तलाक को एक कानूनी जुर्म माना गया है, जिसके बारे में बहुत बड़ी बहस उन्होंने की. और ये जो है सो ये तो जेंडर इक्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है. हम उसके लिए तो जेंडर इक्वालिटी के फेवर में हमेशा बात करते आए और मदद की है. लेकिन बाकी धर्मों में वो चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, ये कानून नहीं है जो पति को तलाक देने पर मुजरिम घोषित कर देता है. हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट 1869 है. एक मिनट भाई सुनो, मैं तो ज्यादा वक्त नहीं ले रहा. और क्लास 7A में 3 तलाक का जुर्म अभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है. और 7B में ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है. मौजूदा कई कानून है जो महिला सशक्तिकरण करते हैं. सेक्शन 125 CRPC की धारा 125 के तहत महिला खुद के लिए और अपने बच्चों के गुजार के लिए भत्ता मांग सकती है. डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 24 के उनमें संशोधन करने के भी महिलाओं को भला हो सकता है. तो इतने कानून, मैडम स्पीकर, इतने कानून हमारे पास है. और ये जो आर्टिकल 13, 14, 15 और 21, ये जो 25 इसका वायलेशन किया है और ये बिल उसके तहत नहीं है. इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आपसे सरकार को आप डायरेक्शन दीजिए, ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी कीजिए 15 दिन में ये रिपोर्ट आने के लिए. सरकार इस बात को नहीं मानती. मैडम स्पीकर, मेरा कहना इतना ही है कि सभी लोगों का मत है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजना, चाहे वो AIDMK हो, चाहे BJD हो, TMC हो, CPM, CPI हो, मुस्लिम लीग हो, सभी. इस बात को अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर बैठ के उनके भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हमारी बात को मनवाने के लिए आए. अगर ये बात नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट करते हैं. This video is sponsored by English County,
मोबाइल मास्टर मोहम्मदी फर्नीचर न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर यू पोलिस फैशन स्टोर बिल ऑन कंस्ट्रक्शन एंड बाय एडिफाई इंटरनेशनल स्कूल।